तो फिलहाल अभी छोटा वाला भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा है। बहुत लोग बोलते हैं बांग्लादेश जा रहे हैं आप लेके, ये बताइए आप लोग तो हमेशा बांग्लादेश जाते आते हैं। तो ये देखिए इधर सेवा चल रहा है, मतलब इधर चल रहा है गाड़ी का धुलाई। सो हेलो एवरीवन, फिर स्वागत करते हैं सबका एक और न्यू वीडियो में। हो चुका सुबह में आप सबको गुड मॉर्निंग। फिलहाल भाई अभी हम वर्धमान में रुके हुए हैं और भाई अपने गाड़ी का ना बुकिंग वगैरह कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आप लोग व्यू चेक करते रहिएगा, जबरदस्त है। सुबह सुबह का टाइम है और मस्त वाला हो चुका है मॉर्निंग। बता दे रात को ना बारिश भी हो रहा था अच्छा खासा वाला। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता पानी करने के लिए। नाश्ता पानी करने के बाद फिर देखते हैं अपना बुकिंग कहाँ से कंफर्म होता है और कहाँ पे जाते हैं लोडिंग करने के लिए। उसके पहले इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे अगर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको टाइम से पहुँच सके। छोटा वाला भाई उधर गाड़ी का साफ सफाई कर रहा है, जब साफ सफाई हो जाएगा फिर निकलेंगे। तो फिलहाल भाई गाड़ी का साफ सफाई हो चुका है, अभी गणेश जी का माला उतारेंगे और नया माला इसमें चढ़ाएंगे। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे माला वगैरह मिलता है। तो चलते हैं फटाफट पहले नाश्ता के दुकान पे, उसके पहले एक बार भोलेनाथ का नाम हो जाए। नमः पार्वती पताये हरा हरा महादेव। प्रेम से बोलो जय सिया राम। कमेंट कर दीजिएगा हर हर महादेव। तो फिलहाल भाई पहुंच चुके नाश्ता के दुकान पे। यहाँ पे भाई लग रहा है अपना पराठा और ये छोला। तो ये लग चुका है भाई, खाओ खाओ एक जगह और। सो फाइनली भी अपना नाश्ता पानी हो चुका था। नाश्ता पानी करने के बाद काफी देर गाड़ी में बैठे थे। छोटा वाला भाई को मैंने बोला कि यार जाओ चाय लेके आओ क्योंकि सुबह से हमने चाय नहीं पिया है। तो छोटा वाला भाई मस्त चाय भी लेके आ चुका है, ये देख सकते हैं। तो इसका लेते हैं चुस्की, मजा आएगा। उसके बाद फिर रुकेंगे भाई। तो जहाँ पे हम लोग गाड़ी अगर लगा के नाश्ता कर सुबह किया था वहां से निकल के अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कृष्णा नगर वाले रोड पे, क्योंकि अपना बुकिंग भाई कंफर्म हो चुका है। तो भी रास्ते में रुके हुए थोड़ा सा एप्पल अगर खरीदना था और ये है अंगूर। ये कौन सा अंगूर है, क्या नाम है, किसी को और पता तो कॉमेंट करके बता देना। टेस्ट बहुत बढ़िया, ये देख सकते हैं भाई। फिलहाल भाई रेलवे फाटक में जाम लगा हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे पता नहीं एक घंटा लगेगा कि आधा घंटा लगेगा। तो हमने माला कर ले लिया है हमारे बाबा जी को चढ़ाने के लिए। एक बार प्रेम से बोलते हैं ओम गणेशाय नमः। बाबा तो चढ़ा दिया माला कर। तो फिलहाल भाई रेलवे फाटक खुल चुका है और हम लोग रेलवे फाटक क्रॉस करने के बाद अभी आगे आ चुके हैं। सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया बताने के लिए क्योंकि रास्ते में रुक के चाय पीने लगे थे फिर से हम लोग। तो चलिए धीरे धीरे फिलहाल आगे निकलते हैं भाई। साहब ये जो हरियाली आप लोग देख रहे हैं ना भाई, इसके पीछे बहुत ज्यादा मेहनत है किसान लोगों का। मतलब कि आज ये है तो आज हम भी हैं यार इनके वजह से ही। आज अगर ये नहीं होते शायद हम भी नहीं होते। मतलब एक दूसरे से कितने हम लोग मिले हुए हैं कि ऐसे एक दूसरे से काम चल रहा है अपने देश का। तो चलिए इतना मस्त लगता है यहाँ पे हरियाली देख के ना, चाहे कहीं का भी हो हरियाली हरियाली होता है भाई। इसके पीछे बहुत ज्यादा ही मेहनत लगता है भाई। फिलहाल पहुंच चुके फराटी मोड़। यहाँ से अगर कोई वीडियो देख रहा हो, अगर भाई साहब का बिरयानी का आता हो तो कमेंट कर देना। तो अभी एक्चुअली टाइम हो चुका है, घड़ी देख रहे थे ऐसे करके, अभी टाइम हो चुका है 11:30 बजने वाले हैं। तो हमने सोचा भाई यहाँ से जा रहे हो तो बिरयानी खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इधर भी जाते हैं तो बिरयानी खा के यहाँ पे जाते हैं। तो चलते हैं बिरयानी खाने के बाद आगे। अभी जस्ट भाई बिरयानी बना है, खोलो भाई थोड़ा दिखा दो यार। ये देखो भाई ये अभी जस्ट बना है बंगाल का बिरयानी भाई। हाफ हाफ प्लेट दो जगह अपना भी लगा देना ठीक है। चलिए और इधर बन रहा है चिकन, क्या बोलते हैं उसको, कोसा, अच्छा चिकन चाप। तो उसका मसाला भाई अभी तैयार कर रहे हैं। तो फाइनली भाई अपना बिरयानी ये लग चुका है गरम गरम बिरयानी। तो इसको टेस्ट करते हैं, मजा आने वाला है भाई साहब। ये देखिए
तो बिरयानी मिला भाई एक लेग पीस, एक आलू और एक अंडा, तो इसका टोटल कीमत है 70 रुपये। हाँ, इसका कीमत 70 रुपये है। अंडा नहीं लेंगे तो 60 रुपये का बिरयानी लेंगे। खाए भाई, कैसा टेस्ट है? मस्त। तो चलिए फिनिश करते फिर निकलते हैं। तो फिलहाल में बिरयानी अगर खा के निकल चुके हैं आगे। भाई साहब आज ना मौसम अच्छा है और बिरयानी जब खाना चालू किया तो बारिश होने लगा, ये देख सकते हैं भाई मौसम। और सुबह से बंगाल का मौसम अच्छा है, धूप नहीं निकला है, हल्का हल्का ठंडा ठंडा मौसम है। तो फिलहाल अभी छोटा वाला भाई गाड़ी ड्राइव कर रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कमेंट में कि भाई आपके छोटा वाला भाई को चलाना आता है नहीं आता है। भाई खाली गाड़ी इसको मैंने दिया है, चला रहा है अच्छे से। और लोडिंग गाड़ी इसको देंगे भी नहीं, मांगेगा तो भी नहीं देंगे, क्योंकि इसको ये चला नहीं पाएगा, संभाल नहीं पाएगा। क्योंकि पोषण जैसा ड्राइवर, पक्का ड्राइवर, वो भी भाई 80 नहीं चला पाता है लोडिंग गाड़ी, 60 से ही चला लेंगे लेकिन भगा नहीं पाएंगे। हाँ, भगा नहीं पाएंगे, धीरे धीरे 10-20 के स्पीड में चलाएगा, 30-40 नहीं चला पाएगा। हाँ, और आराम से चलाओ, धीरे धीरे चलाओ, खाली गाड़ी है, आराम से चलना है हम लोगों को। और अभी तक बारिश रुका नहीं है। छोटा वाला भाई बहुत दिन से आप लोग कमेंट कर रहे थे आपको, तो आपके भाई को चलाना आता है कि नहीं, तो देख सकते हैं ये गाड़ी चला रहा है, ये देखिए। तो भाई फिलहाल पहुंच चुके हैं नौदी ब्रिज के ऊपर, देख सकते हैं भाई जबरदस्त वाला सीन है, मौसम का मजा लेते हुए जा रहे हैं आराम से। तो फाइनली पहुंच चुके हम कृष्णा नगर, अब फिलहाल जा रहे सोने के लिए। जब सो के उठेंगे तो मिलते हैं छोटा वाला भाई, उधर खटिया पे सो गया है, मतलब एक ढाबा पे मेरा गाड़ी रुका हुआ है, ठीक है। और अभी जस्ट न्यूज देख रहे थे, फोन देखे मेरे यहाँ पे, तो चलिए सोने जा रहे हैं, न्यूज वगैरह देख लिया है, जब सो के उठेंगे शाम को तो मिलते हैं आप लोगों से। तो भाई शाम हो चुका है जस्ट, भाई अभी सो के उठे हैं, ये रहा अपना गाड़ी। और भाई शाम का मौसम ना जबरदस्त हो रखा है। अभी हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए, चाय पीने तो जा ही रहे हैं, छोटा वाला भाई वहाँ पे गया बगल में, उसको मैंने बोला कि जाओ भाई थोड़ा सा वीडियो अगर अपलोड कर दो, क्योंकि टाइम होने वाला है शाम का, अभी 5 बज चुके हैं जस्ट, भाई 5 बजा है, 5:10 आगे या पीछे हो रहा होगा। तो ये भी टाटा गाड़ी है ना, ये 6 चक्के में आता है, मतलब ये पुराना वाला मॉडल है, तो इसमें क्या है कि आप 18 चक्का लगा सकते थे, मतलब इसको लेके, ठीक है, ये 6 चक्के का है लेकिन पीछे भी आप ज्वाइंट करवा सकते हैं, हालांकि ये 16 चक्का टोटल आप दौड़ेंगे तो ये 16 चक्के वाली गाड़ी है। इसमें लोड है भाई, जो मेन लाइन का तार होता है ना बिजली वाला, वही इसमें रोलर इसमें लोड है, हालांकि ये बहुत पुराना मॉडल वाली है। और ये भी भाई टाटा का ही है, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये भी टाटा कंपनी का ही गाड़ी है। देखिए हालत, देखिए थोड़ा सा खस्ता हो चुका है, मतलब इसका पेंट वगैरह जो है ना, ये देखिए भाई लोहा कभी भी ख़राब नहीं होता, ये देखो सड़ गया यहाँ पे, यहाँ सड़ गया है, यहाँ सड़ गया है, तो ये इसका मेंटेन खर्चा 0 है, मतलब अभी ये बिना मेंटेन का गाड़ी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसका इंजन सही है, इसी वजह से ये गाड़ी चल रही है। मतलब गाड़ी तो सही है लेकिन भाई गाड़ी का मेंटेन रखना पड़ता है, मेंटेन करके रखना पड़ता है। देखो ये देखो, ये देखो इधर है, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि ये सब गाड़ियाँ जो लोकल में चलने वाली गाड़ियाँ होता है ना, ये बहुत लॉन्ग टूर पे नहीं चलती है गाड़ियाँ, लॉन्ग टूर पे गाड़ी चलने वाली थोड़ा सा साफ सफाई से रखते हैं, थोड़ा सा बना के रखते हैं, सजा के रखते हैं, हालांकि ये ऐसा कुछ भी नहीं इसमें है, ठीक है। देखिए नागालैंड का इधर नंबर है, ये भाई कंपनी की तरफ से नहीं आता, ये आपको बाहर से ही लगवाना पड़ता है, ये भाई कंपनी की तरफ से आता है। और पहले का देख सकते हैं, अभी भी ये वाला आता है, ये वाला जो बैच है टाटा का ये मिल जाता है, ये भी ग्रिल वाला आता है, हालांकि ये ट्रक अभी बंद नहीं हुआ है, इसमें का अभी भी आ रहा है, लेकिन ये 6 चक्का में है। अभी इसमें का 10 चक्का भी आता है, 6 चक्का भी आता है BS6 में, और ये BS4 वाली मॉडल है, ठीक है, ये देख सकते हैं। और हमें लग रहा है कि ये जो टंकी है ना भाई, ये कम से कम 1000 लीटर का तो होगा ही होगा 100%। अगर कुछ भी गलत बोला तो बता देना भाई कमेंट करके, क्योंकि इतना बड़ा टैंक है, इससे छोटा जो होता है वो भाई 500 लीटर का होता है, ये तो भाई 100% 1000 लीटर का होगा ही होगा। भाई टाटा का चेचिस का बात किया जाए, चेचिस तो भाई बेहतरीन होता ही है, चाहे छोटी गाड़ी का ले लीजिए, चाहे टाटा योद्धा का ले लीजिए, और चाहे आप इस गाड़ी का ले लीजिए। भाई टाटा योद्धा में क्या दिक्कत है, सिर्फ और सिर्फ इंजन का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, चेचिस से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड, हर एक चीज़ में मजबूती भरा हुआ है, ये देख सकते हैं। इसका भी चेचिस भाई बेहतरीन है, ये देखिए, और इस गाड़ी के देखिए, ये भी 6 चक्का में सर सामने का आता है, और पीछे ये 18 चक्का है, ठीक है, और ये 16 चक्का है। देखिए इसमें भी रोलर रोड है, और ये देखिए सड़ गल गया है, यहाँ पे सड़ गल गया है इधर, हालांकि इंजन 1 नंबर। अच्छा ये जो हिस्सा है ना पूरा पूरा खुला रहता है, लेकिन इसका पैकिंग इतना बेहतरीन किया जाता है कि खुला होने के बावजूद भी इसमें थोड़ा भी पानी वगैरह कहीं से घुसता नहीं है, अगर घुस भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं दोनों ही गाड़ी दिखा रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। जैसा कि आप लोगों को बताया गाड़ी का भाई सेवा करना पड़ता है, वैसे गंदगी से रखेंगे तो सड़ जाएगा बॉडी, तो ये देखिए इधर सेवा चल रहा है, मतलब इधर चल रहा है गाड़ी का धुलाई, तो इसी तरीके से गाड़ी को साफ सफाई करके रखना पड़ता है,
ताकि गंदा ना हो। ये देखिए अंकल लोग धो रहे हैं, मस्त मेहनत कर रहे हैं। ये सब जो गंदगी धो रहे हैं ना, इससे क्या होता है, इसमें गंदा जमने से ये चीज गलने लगता है क्या अंकल, ये सड़ने लगता है ना। हाँ सड़ जाता है, इसको साफ सफाई कर देंगे तो ये सड़ेगा नहीं, ठीक है। और हालांकि इंजन का तो भाई बेहतरीन, अभी ये आइसर गाड़ी है, ठीक है। टाटा का आजकल सिस्टम कुछ अलग हो गया है और आइसर का इंजन इसमें अलग आ रहा है, क्योंकि अभी आइसर का और वॉल्वो का टाई अप हो चुका है, जिसको नहीं पता बता दे। हालांकि हाँ ये हाँ ये BS6 वाला है ना, कि फोर में भी पानी नहीं मार सकते हैं। हालांकि छोटी गाड़ियों में फोर में इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, उसमें मार सकते हैं। हालांकि इसमें कोटिंग आप करवा सकते हैं, इंजन कोटिंग आता है, इंजन कोटिंग करवा सकते हैं, इंजन कोटिंग करवा से हवा मरवा सकते हैं, कोटिंग करवा सकते हैं, ताकि इंजन में जंग वगैरह ना पड़े और अच्छे से रहे। देख सकते हैं इंजन, ये भाई आइसर का इंजन है। और ये कितना टन का पासिंग है, 10 टन का ना कि 9 टन? 9 टन का पासिंग होगा। हाँ ये 9 टन का पासिंग है, जबरदस्त गाड़ी भाई। ये गाड़ी तो आपको नॉर्मली कहीं भी दिख जाएगा, देखिए बगल में भी है। और ये कोरियर वाला माल में चलता है, ठीक है, ये पूरा पैक। अच्छा अंकल, ये जो पीछे का बॉडी होता है, ये बताइए कि ये वाटरप्रूफ होता है क्या? नहीं। ये वाला वाटरप्रूफ है ना। हाँ तो भाई जिसको नहीं पता ये बता दे, ये पूरा वाटरप्रूफ होता है, इसके अंदर थोड़ा ही पानी नहीं जाता है, आराम से माल लोड करो लेके जाओ, तिरपाल लस्सा का कोई भी झमेला नहीं है, पंचायत नहीं है भाई, मस्त गाड़ी है। देखो तो भाई जैसा कि आप लोगों को बताया, ये सब गाड़ी में रोल रोड है, मतलब ये रोल है, देखने में रोल के रोल ही है। तो इसमें तार अंदर तार है, बिजली का तार है ना, तो ये बांग्लादेश जा रहे हैं आप लेके। ये बताइए आप लोग तो हमेशा बांग्लादेश जाते आते हैं ना, तो कैसा मजा आता है बांग्लादेश जाने में? ठीक ही है, मतलब पहले तो जैसे एक एक महीना पार्किंग में गाड़ी खड़ा रहता था, अभी क्या सिस्टम चल रहा है? अभी क्या है, अभी आप ज्यादा टाइम नहीं खड़ा होता गाड़ी। अच्छा अभी सरकार थोड़ा नियम सही किया है पहले से? पहले होता था कि इधर का अलग पार्किंग लगता था, उधर का अलग। जी जी, अभी वो पार्किंग कटवा रहा, पार्किंग 10,000 का एक ही पर्ची कटता है। अच्छा एक ही पर्ची कटता है खाली तला का, भी सेंटर का भी, सेंटर में गाड़ी गया तो 72 घंटा के अंदर स्पोर्ट कर देगा। अच्छा मतलब भाई 10,000 रुपए लगेगा ये गाड़ियों का, तो इंडिया का भी पर्चा रहेगा और बांग्लादेश का भी पर्चा रहेगा, टोटल 10,000 रुपए में। और कितना घंटा टाइम मिलता है पर्चा लेने के बाद, कितना घंटा में खाली करके वापस आना होता है इंडिया फिर? मतलब 12 घंटा 15 घंटा में खाली होके आ जाता है। मैं टोटल टाइम कितना मिलता होगा, 2 दिन 3 दिन 72 घंटा कितना? खाली करना है, अंदर घुसा तो खाली हो। अच्छा अच्छा, तो भाई मतलब मान के चलिए टाइम तो अच्छा खासा रहता है, मतलब 1 दिन 1.5 दिन का टाइम रहता है। जैसे आप घुसेंगे तुरंत वो अपना माल उतार लेते हैं, क्योंकि जो पार्टी बांग्लादेश वाला पार्टी माल मंगाता है उसका हमेशा वहाँ पे बंदा रहता है, कि उसको पता चल जाता है कि गाड़ी यहाँ पे हमारा आने वाला है, आप वो पहले सक्रिय हो जाता है। जैसे आप पहुँचेंगे आपकी गाड़ी तुरंत खाली हो जाए, क्योंकि इंडिया की गाड़ी है, खाली करके उसको भेजना ही है, नहीं तो बॉर्डर पे ज़्यादा टैक्स हो जाता है, मतलब ज़्यादा क्या रसीद वगैरह कटने लगता है फिर दोबारा आपका ना। हाँ टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। तो बांग्लादेश जाने में कोई दिक्कत परेशानी? कोई परेशानी। अच्छा मतलब कोई भी गाड़ियाँ जाता है सब वहीं पर खाली हो जाता है, मतलब बॉर्डर पर ही? हाँ कच्चा माल है, सब कर, मतलब उसका पार्किंग में खाली हो जाएगा। जैसे हम लोग काठमांडू जाते हैं सब्जी लेके, ठीक है, तो वो सीधा जा सकते हैं सब्जी गाड़ी लेके, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां रहता है ना, तो वहाँ पे हम देखे वहाँ पे उसका बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है, ठीक है, काठमांडू नेपाल वाला, तो वहाँ पे सब गाड़ी जा रहा है खाली हो रहा है, और नेपाल वाली गाड़ियों में जा रहा है, छोटे छोटे गाड़ियों में सब भेज रहे हैं पहाड़ी पे, ऐसा ही है। अच्छा नियम भाई सेम है, चाहे नेपाल हो और चाहे बांग्लादेश हो, ठीक है, तो हाँ अलग कंट्री है भाई, और बहुत लोग पूछ भी रहे थे, तो चलो जानकारी भी दे दिया। और अभी ये जाएंगे बांग्लादेश, लोड हो गया है गाड़ी, कागज़ बनने में 3 से 4 दिन यहाँ लगेगा, उसके बाद कागज़ बना के फिर लेके आप जाएंगे। तो यहाँ जो कागज़ बनेगा सिर्फ माल का बिल बनेगा या फिर डायरेक्ट बांग्लादेश तक का मिलेगा? नहीं, वो बिल तो मतलब माल का ही बनता है, खाली माल का बनता है। अच्छा उसी देश में पासिंग भी रहता है? अच्छा अच्छा, इसीलिए इतना टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, तो चलो भाई ये सब जितने भी यहाँ पे गाड़ी हैं, रोलर गाड़ियाँ, सबके सब बांग्लादेश जाएगा, और बांग्लादेश वाले मतलब जो भी काम होता है बांग्लादेश नेपाल भूटान ये सब भाई ज़्यादातर इंडिया से ही काम होता है, ठीक है, इंडिया से ही काम होता है, क्योंकि इंडिया में अपने इतना सामान इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग है ना, बगल में पड़ जाता है, बगल में पड़ता है, सस्ता ही पड़ता है। हाँ टोटल माल इंडिया, सब्जी से लेकर राशन से लेकर तेल से लेकर हर एक चीज, हाँ गिट्टी सो गिट्टी बालू हर एक चीज इंडिया जाता है भाई। अच्छा बालू वालू गाड़ी सब वहाँ खाली होता है? तो भाई बालू सीमेंट जितना भी सब सामान है सब कुछ इंडिया से बांग्लादेश जाता है, ठीक है, तो आप लोग सोच के रखिए। तो गर्व होना चाहिए भाई इंडिया वासियों को, भाई अपना सामान दूसरे देश को दे रहे हैं, भले ही पैसे पे खरीद रहा है लेकिन हमारे सामान से ही दूसरा देश जी रहा है, बस गर्व होना चाहिए एक तरफ से। तो चलो फिलहाल बैठे हैं चाचा लोग के साथ में, मिलते हैं तो भाई बहुत अनुभव मिलता है इन लोगों से, तो चाय अगर पियेंगे फिर यहीं बैठे रहेंगे, आगे के सीन बताते हैं कुछ देर में।
फिलहाल भाई टाइम हो चुका है अभी रात का 10। जस्ट भाई हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया है और अभी ना मतलब आज रात में हमें 2 बजे निकलना होगा। कहाँ के लिए? धानताला फुल मंडी के पास में। वहां से हमारा 2 गाड़ी का लोडिंग है, 1 गाड़ी अभी बर्धवान में है, बनारस का गाड़ी, वो अभी फिलहाल आ रहे हैं और हम यहाँ पे सोएंगे। हम निकलेंगे रात को 2 बजे धानताला मंडी के लिए। कल ना 3-4 लोडिंग है, तो सब्जी का भी है और फूल का भी है। देखते हैं जिसमें बढ़िया भाड़ा लगेगा, जो हमको सही लगेगा कि कौन सा मंडी कितने टाइम पे पहुंचाना है, उसी को ला देंगे। और नहीं भी ला सकते हैं, मतलब नहीं ला सकते हैं क्योंकि अगर भाई बहुत लेट से छोड़ेगा, जैसे फुल वाला में क्या होता है ना, कभी कभी लेट से गाड़ी छूटता है और टाइम से मंडी चाहिए। सब्जी में क्या है कि हमें पता है कि 10 बजे तक गाड़ी मेरा छूट जाता है, तो ये सिस्टम है, 10 बजे तक छूट जाता है तो 1 से 1.5 बजे करीब बनारस घुस जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से मॉर्निंग में। तो भाई फिलहाल 3 बज चुके हैं और हम लोग होटल से निकल के जा रहे हैं धानताला वाला रोड के लिए, तो चलिए फिलहाल चलते हैं। फाइनल भी हो चुका है सुबह, जस्ट भाई अभी उठे हैं, पीने का पानी अगर भर लिया, गाड़ी का साफ सफाई भी अपना हो चुका है कंप्लीट। अभी हम निकल रहे हैं अपने लोडिंग पॉइंट के तरफ, मतलब फूल मंडी निकलना है हमें धानताला। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टा आईडी है buddhadev777, फटाफट फॉलो करिए। वहाँ पे कुछ भी करते हैं सब स्टोरी अगर पहले ही आ जाता है आप लोगों को पता चलता रहेगा। तो मिलते हैं कल एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। ऐसे प्यार मोहब्बत सपोर्ट बनाए रखिए क्योंकि आपके मेहनत करेगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहेगा। तो डायरेक्ट मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।